ठीक है, लेट्स डिस्कस द केस स्टडी अगेन फ्रॉम द सेल चैप्टर, नोट डाउन फ्रॉम द सेल चैप्टर। ठीक है, ये हम सेल चैप्टर में से कर रहे हैं, नोट डाउन द पैराग्राफ। अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड solutions A, B and C. A D shell deck was placed. D shell deck, हम कौन से केस किसके बारे में टॉपिक करने जा रहे हैं? D shell deck यानी कि ऑस्मोसिस टॉपिक के रिगार्डिंग हम करने जा रहे हैं, हाइपो हाइपरटोनिक। सोल्यूशन लिया D shell deck, ठीक है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द, ये लिखने के बाद ना एक बार पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या हाइपो हाइपर, फिर हम इस पे आएंगे। अ डी शेल डेक वॉज प्लेस्ड इन ईच सॉल्यूशन After an hour, he observed that the egg in the solution A swelled up. There are no changes in the solution B. ठीक है जी, ये लिख लो। फर्स्ट वी विल डिस्कस द, यहां से वी गॉट द आइडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपर हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये लिख लो, फिर हम एक बार रिवाइज कर लेते, तीनों है क्या, देन आई विल आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, जो हम एटलीस्ट क्लास में करें ना रिवाइज इट थॉर, एटलीस्ट सुन लो। ठीक है जी, ओके ब्रिजेश, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट एवर यू नो, इफ यू नो देन टेल। हाइपर, मैंने वर्ड लर्न करने के लिए आपको तीन बार ये चीज बोली है, तो 12 याद रख लो, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक मिनट प्रतीक्षा, अनम्यूट करती हूँ। बिफोर दैट आई एम जस्ट टेलिंग, हाइपर हाइपर मीन्स हमें, हम कब हाइपर होते हैं, गुस्सा आता है, गुस्सा आने से हमारा क्या होता है, यानी कि अंदर हम क्या बोलते हैं कि आपका गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या नॉर्मली पेरेंट्स क्या बोलते हैं, गुस्सा मत कर खून जल जाएगा, है ना, बीपी। दैट मींस हमें क्या जरूरत पड़ती है आपका गुस्सा करने के बाद, पानी का गिलास लाते हैं अगर हम ज्यादा गुस्सा कर लें। ठीक है, दैट मीन्स हाइपरटोनिक व्हेन द वाटर कम्स आउट। ठीक है, हाइपो को याद रखना है तो हाइपो को याद रख ले, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस वो पानी में रह के खुश होता है, वो फूल जाता है। वॉटर इन आइसो सेम सेम, नो चेंज इन द कंसेंट्रेशन, नीदर इट विल टेक नॉर इट विल रिलीज, अ लिटिल बिट, अगर वो जितना रिलीज कर रहा है उतना ही ले रहा है, दैट विल द इक्वल कंसेंट्रेशन रहती। नाउ इट्स ओके, इट्स ओके। हाइपर जब आप
बाहर गुस्सा निकल रहा है, देन यू हैव टू टेक, यानी कि आप श्रिंक हो गए, हाइपो फूल गए, आइसो से, इज दैट क्लियर? तीनों चीजें क्लियर है मैम सबको? ठीक है ब्रिजेश, हाँ जी तितिक्षा, अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल बट यू वॉन्ट टू आस्क और टेल। I want to tell the definition you have asked na. चलो आप अभी दोबारा repeat कर दो, repeat कर दो, what is the meaning of the hyper and hypo? दीक्षा hypotonic, हाँ जी बोलो, hypotonic solution in which concentration is decreased because of the increase in water molecules and the water goes in. In isotonic solution, the molecules of water is same. Ma'am, hypotonic. Hypotonic. ठीक है, water comes in. Yes. It swells up. Yes, ma'am. Ma'am, in isotonic solution, the H2O molecules and the H2O molecule. No change in concentration in the isotonic. And hypertonic, water comes out. Right, water comes out because of the low concentration of H2O molecules and high concentration the water comes out. Chalo, ab questions hain, the phenomena, theek hai, now I'm going to ask question, question likhne hai, likh lo, answer waise hi likh lena. The phenomenon bringing about changes in the size of egg is, the phenomenon changing the phenomenon bringing about changes in the size of egg is, can you tell without the if I will not tell the answer, that is osmosis, higher concentration to the lower egg wale mein hamara kaun sa process chal raha hai, diffusion kya hota hai, diffuse says randomly, theek hai, it properly isme. Ma'am, please repeat the question. Diffusion होता है जब बेनिट द पार्टिकल और द मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस प्रॉपरली, फैल जाता है, जैसे कॉपर सल्फेट इन वाटर, इट डिफ्यूजेस, दैट इज द डिफ्यूजन. Ma'am, please repeat the question. दीक्षा, आई नो आप पूछ रहे हो, व्हेन वी आर स्प्रेइंग द परफ्यूम, ठीक है, इट इमीडिएटली डिफ्यूजेस इन द रूम, दैट इज द डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन. क्वेश्चन था बेटे, द फिनोमिनन ब्रिंगिंग About changes in the size of egg. Yes, Karan. Yes, Karan, बच्चे. Osmosis. आपके पास options given हैं. Osmosis, circulation, diffusion, imbibition, inhibition. Sorry. Ma'am, may I ask something? हाँ जी पूछो. मैम जो osmosis या फिर diffusion में semipermeable membrane होती है, किसमें होती है? किसमें होती है आप बताओ, किसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? मैम डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन में होती है, खुद सोचो. बट व्हाई आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर परफ्यूम, ओपन द परफ्यूम बॉटल एंड स्प्रे, देयर इज देयर नीड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट डिफ्यूजेस रैंडमली इन द एयर, व्हेन वी आर पुटिंग द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन अ सॉल्यूशन, इट डिफ्यूजेस इन द वॉटर. So no semi-permeable, semi-permeable membrane is present in the osmosis. Second question likhiye, eggs are de-shelled. अब egg के ऊपर से वो de-shelled हो गया. De-shelled मतलब जो उसका ऊपर वाला, किस क्या layer होती है ऊपर वाली, किसकी white layer किसकी बनी होती है? कैल्शियम. यस राइट, एग्स आर डीशेल्ड बिकॉज द शेल्स आर. अब मैं ऑप्शन बोल रही हूं, ऑप्शंस आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बी परमिएबल, सी सेमी परमिएबल, डी इम्परमिएबल.
eggs are deshelled. Eggs deshelled हैं, हो जाते हैं as they are. क्या होते हैं? Permeable, semi-permeable, impermeable, made up of calcium carbonate. Anyone? Eggs are made up of calcium carbonate. तो वो इसलिए थोड़ा ना deshelled हो जाती हैं. Deshelled हो गए, कैसे deshelled? Semi-permeable. सॉरी, आपने कैसे? Semi-permeable. नमक के पानी में एसिड में रखो तो मैं मान लू कि कैल्शियम खत्म. सपोज ये हमारा फ्लोर है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट जो वो होते हैं मार्बल फ्लोर. व्हेन यू आर पोरिंग, अगर हम जब जो ये क्या डालते हैं लाइजोल एंड ऑल दैट, वो जो ब्लू वाला क्या होता है हार्पिक, ठीक है, इट इज हैविंग अ लाइक अ बेस, वो करोड कर देता है, वहां पे निशान पड़ जाता है, वो कार्बोनेट लाइक वो खत्म करता है जिप्सम एंड ऑल. लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट पुटिंग इन टू द एसिड सोल्यूशन, ठीक है, वी आर पुटिंग इन द सॉल्ट सोल्यूशन. तो वो डीशेल्ड क्यों होते हैं? बिकॉज दीज आर इम्परमिएबल. इम्परमिएबल क्योंकि वो बीच में उसके तब भी उसकी रिएक्शन स्टार्ट होएगी ना, व्हेन दे विल डू द मतलब जो उसकी बाहर वाली लेयर है उसके और पानी के बीच में आपस में रिएक्शन शुरू होगी, देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर इनटू दैट इज इम्परमिएबल, नॉट द मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. थर्ड क्वेश्चन, डी शेलिंग एग इज कैरिड आउट बाय डिपिंग द एग इन. डी शेल कैसे करते हैं? De-shelling the egg by de-shelling of egg is carried out by de-shelling of egg is carried out by dipping the egg in मैंने वैसे अभी इसका आंसर दे दिया आपको by chance. De-shelling of egg is carried out by dipping the egg in, ठीक है, ठीक है, किस में डिप करने पर डी शेल हो जाएगा वैसे बता दे. अभी बोले ये एसिड, मैंने अभी बोला कि अगर हम एसिड पोर कर रहे हैं तभी उसके ऊपर से कार्बोनेट की लेयर उतरती है. बच्चे कोई भी चीज ना क्रैम नहीं करनी आपको, अभी मैं इम्परमिएबल भी मुझे लग रहा है नहीं क्लियर हुआ, मैं क्लियर कर देती हूँ दोबारा, हमने कोई भी चीज क्रैम नहीं करनी. बट आई एम सेइंग कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो हम लोग और एक और तरीके से समझाते हैं, हमें क्या कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक कम पियो. क्या होता है कोल्ड ड्रिंक पीने से, क्या कहते हैं पेरेंट्स? आपकी हड्डियां गल जाएंगी, ऑल दीज थिंग्स दे आर यूज्ड टू से. बोन्स किससे बनी होती है? कैल्शियम. दैट मींस व्हाट इज प्रेजेंट इन द कोल्ड ड्रिंक? एसिड इज समथिंग प्रेजेंट. दैट मींस जब एसिड कैल्शियम की चीज के साथ रिएक्ट करेगा ये उसको करोड करेगा. और इजी वे में बताती हूँ, एसिड रेन होती है, मार्बल करोड होता है, ताजमहल करोड होता है. व्हाट इज दैट? दैट मींस द एसिड किसको करोड करता है? कार्बोनेट्स को. ओके, अब हमने कहा डी शेलिंग ऑफ एग, एग की बाहर वाली लेयर किसकी है? कैल्शियम. अब वो कैसे डिसॉल्व हो जाएगी? बाय पुटिंग इनटू एन एसिड. अब ऑप्शंस है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, दैट इज अ बेस. याद है? नहीं याद. एसिड, मैं दोबारा, चलो मैं एक मिनट बता ही देती हूँ. एसिड हमारे पास होते हैं ये तीन, HCl, H2SO4, HNO3. ये मेन तीन एसिड होते हैं. इसके अलावा जिनमें हाइड्रोजन ये वाला होता है ना, दिस इज एसिड, ठीक है. और बेस होते हैं हमारे पास ये, जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ठीक है जी. अब ये तो हमारे पास सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है. ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मतलब दिस इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, वी कैन सी इट इज फाउंड इन द मिनरल, लाइक अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग गिने जाते हैं और मिनरल एसिड कहते हैं. इसके अलावा एसिटिक एसिड होता है जो विनेगर में, या अगर हम मिनरल एसिड्स की बात कर रहे हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये हमें तीनों अर्थ के सर्फेस में से मिलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मिनरल एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है. अब इसके साथ हमारा अगला टॉपिक है जो मैं बोल रही हूँ कि ये हमारे पास मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड. एक और हमें
अर्थ क्रस्ट में से मिलता है लेकिन वो वीक एसिड होता है, वो है कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट है। इस ऐसा नुकसान नहीं है बट नुकसान तो है, समझे नहीं। ये हमारे पास तीनों ही स्ट्रांग है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड भी अर्थ में से ही मिलता है, ये तीनों हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलेंगे, कार्बोनिक भी अर्थ क्रस्ट में से मिलता है, लेकिन वो इनके कंपैरेटिव वीक एसिड, इतना स्ट्रांग है तभी हम कोल्ड ड्रिंक पी पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू इनहेल द सल्फ्यूरिक एसिड, न्यूट्रलाइज करने के बाद भी डिल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड यूज करते हैं, डिल्यूट एसिड स्टिल हमें यहाँ पे पेन वो इचिंग ऑनिश हो जाती है बिकॉज वो स्ट्रांग है, ठीक है। कार्बोनिक भी इनके साथ मिलता है लेकिन वो वीक एसिड होता है। ये है हमारे पास एसिड जिसमें हाइड्रोजन होते हैं, ये है हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेसिस, ये बेस होते हैं जो आपने सेवंथ में एसिड एंड बेस लिटिल बिट पढ़ा था। दीज आर द एसिड, दीज आर द बेसिस जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोजन आयन्स आर प्रेजेंट, दैट इज द एसिड। अब आपके पास ऑप्शन थी, ये समझ आ गया एसिड और बेस पता लग गया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, और तीनों में कॉमन एच है, यानी कि जब ये ब्रेक होते हैं ना तो एसिड ऑलवेज रिलीजेस द हाइड्रोजन आयंस, ये हाइड्रोक्साइड आयंस, OH मींस हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यही दोनों बेसिस जो हैं डिसॉल्व होते हैं पानी में, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन बोलूं आगे, ठीक है। अब आपके पास था कि डी शेलिंग ऑफ एग इज कैरिड आउट बाय डिपिंग द एग इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो नहीं है बिकॉज दैट इज अ बेस, ठीक है। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन लाइम वाटर, ठीक है। एल्कोहल बेस होता है, लाइम वाटर बेस होता है। एल्कोहल, एल्कोहल का फार्मूला पता है, एल्कोहल का फार्मूला पता है, एल्कोहल का फार्मूला होता है ये, ठीक है। अब मैंने कल भी एक बात बोली थी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो एल्कोहल भी नहीं है, ठीक है। वे एसिड, बेस, एल्कोहल, लाइम वाटर इज ऑल्सो नॉट, तो विच वन डी शेलिंग ऑफ एग इज कैरिड आउट बाय डिपिंग इट इन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज इट क्लियर बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटे? तो यार मैं करवा तो रही हूँ तैयारी, तो पेपर्स के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एंड डिस्कसिंग ऑल दीस थिंग्स। वो और चीज है, दैट इज अ सब्जेक्टिव, डेफिनेटली यू विल राइट डाउन नंबर ऑफ थिंग्स ओवर देयर। हां जी तितिक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, मैम फिर से बता दो एक बारी। अच्छा मैंने बोला डी शेलिंग ऑफ एग, एग के ऊपर से उसकी शेल को रिमूव करना, जैसे मैंने घर में इस बार करा था, बट आई डिड, एग लिया उसको मैंने डाला विनेगर के अंदर, विनेगर इज व्हाट, एसिड, एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड मैंने उसके अंदर डाल दिया। अच्छा व्हाट इट मेक लाइक, व्हाट आई डिड, आई केप्ट द एग इन द कंटेनर इन विच आई पोर द एसिटिक एसिड, मैंने पूरा ब्रिम तक उसको भर के एग डाल दिया, उसको दो चार दिन आई केप्ट इट एज इट इज। आफ्टर फोर डेज व्हाट आई ऑब्जर्व, उसके ऊपर वाली पूरी लेयर हट गई है, इट लुक लाइक अ बाउंसी बॉल, बाउंसी बॉल, हाँ, बट वेन यू विल यूज इट रेंडमली देन इट विल ब्रेक, क्योंकि एग्जैक्टली वो चीज नहीं है बट इट बिकम्स अ बाउंसी बॉल एट दैट टाइम। आई डिड इट, मैंने ये घर में भी करा है,
आफ्टर सम टाइम वो ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज व्हेन यू विल पुटिंग इट अगेन एंड अगेन तो वो ब्रेक हो जाती है, अदरवाइज वो पूरी बाहर वाली जो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट नजर आती है, ट्रांसपेरेंट नजर आती है, योक नजर आता है बीच में, बाहर वाली वाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना वो पूरा, उसके अंदर योक नजर आता है नहीं। चलिए ठीक है जी, हाँ जी धैर्य बेटे, अनम्यूट योरसेल्फ बच्चा। मैंने भी ट्राई किया, मैंने विनेगर में डाला था तो 3 डेज के बाद ऐसा हो गया था। धैर्य, व्हाट इज विनेगर? एसिड, एसिड सिरका, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। मैंने भी उसी में करा था, आई डिड ऑल द सेम थिंग इन दैट वन। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ सॉल्यूशन ए बी एंड सी। अब आप बताओ, ये तो आपको पता होना चाहिए। ए में क्या हुआ था? ए डी शेल्ड एग वाज प्लेस्ड इन ई सॉल्यूशन आफ्टर एन आवर, यू ऑब्जर्व दैट एग इन द सॉल्यूशन ए हैज स्वेल्ड अप, हाइपो, नो चेंज इन द बी, आइसो, श्रिंक इन द सी, हाइपर, हाइपर हेट्रोनी, हाइपो, आइसो, हाइपर। ठीक है जी, अब ये हमारे पास ऑप्शन क्या हुई, हाइपो, आइसोटोनिक एंड हाइपर। इज इट क्लियर? पैराग्राफ समझ आया है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो केमिस्ट्री है, राइट बेटे? इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? एक एक पैराग्राफ में और दूं ये, हाँ क्या मतलब, क्या बताऊं? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। आई एम नॉट सेइंग कि लर्न ऑल दीज थिंग्स, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कि व्हेन यू विल मतलब हियर दीज वर्ड्स तो आपको पता हो, this is hydrochloric, sulfuric and the nitric acid. ठीक है? हाँ? हाँ? impermeable वाली बात कर रहे थे ना? हाँ?